कौन सा स्टेट पे लगता है, एमपी या नहीं? नहीं, उत्तर प्रदेश। योगी जी, योगी जी, बुलडोजर बाबा। धन्यवाद। डोडा बेटा के एक तरफ देखने पर कुन्नूर दिखाई देता है और दूसरी तरफ से ऊटी शहर दिखाई देता है। चल रहे हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। चलिए दिखाते हैं आपको डोडा बेटा की खूबसूरती। इतना खूबसूरत रास्ता है, मतलब धूप तक नहीं है सड़क पे, इतने ज्यादा पेड़ हैं। एक है चंदन, एक है पानी, राम सिया आया था तो सबने रिकमेंड किया था कि आप डोडा बेटा जरूर जाइए। रास्ते को देख के लगता है कि सबका कहना सही ही था, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। चलिए चलते हैं। देवदार के पौधे बहुत डेंस फॉरेस्ट है। कुंभ लग रहा है। तो हम आप सारे साउथ इंडियंस को इनवाइट करने आए हैं कि आप लोग खुद भी परिवार सहित दोस्तों के साथ आइए प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करिए। 12 वर्ष से 1800 किलोमीटर होता है बेंगलोर क्या 1800 किलोमीटर। तो हम दो काम कर रहे हैं। एक लीजिए, कल की डेट में आपको बाय रोड जाना हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी वीडियो, आप पूरा रास्ते का हाल देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेन में आना, तो ट्रेन में आना तो बाय ट्रेन आइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज तक ट्रेन है? हाँ, प्रयागराज द बिग स्टेशन, सारे फ्लाइट भी हैं, ट्रेन भी हैं, सारी चीजें हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ये सफारी एक्सप्लोरर। अच्छा, जी इस पे आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। रामेश्वरम में जाना है यहाँ, लास्ट हमारा प्रयागराज से चल के रामेश्वरम तक पहुँचना। ये कौन सा स्टेट पे लगता है, एमपी या नहीं? नहीं, उत्तर प्रदेश। योगी जी, योगी जी, बुलडोजर बाबा। धन्यवाद। अब हम लोग चल रहे हैं डोडा बेटा। ये आप देखेंगे, डोडा बेटा वेलकम्स यू। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए डोडा बेटा के पीक पे। ये रही अंतिम सीढ़ी, तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को। ये देखिए यहाँ के नज़ारे। जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे। अब आप ऊपर से देखिए कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है। वास्तव में खूबसूरती इसको कहते हैं। मन ही नहीं करता कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए, लेकिन रास्ता है तो चलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे बिताते हैं, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं आपसे। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाओ किसे, ओ मोर सैया रहना ना बीते बने, ओ मोर सैया
डोडा बेटा वो खूबसूरत जगह है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। डोडा बेटा के एक तरफ देखने पर कुन्नूर दिखाई देता है और दूसरी तरफ से ऊटी शहर दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आकाश और पृथ्वी एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। तो दोस्तों, अब डोडा पेटा से हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मज़ा आ गया। चूँकि सफ़र लंबा है, मुन्नार तक चलना है हमको, तो इसलिए बहुत टाइम नहीं बिताया हमने, निकल दिए। अब चलते हैं आगे मुन्नार की तरफ। रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, मतलब मन ही नहीं करता कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन रास्ता है तो चलना पड़ेगा, इसलिए चल रहे हैं।